Hello friends, welcome to my YouTube channel Extrinsic Coaching. आज हम सॉल्व करने वाले हैं JTO LICE 2013 हिमाचल प्रदेश का क्वेश्चन पेपर. इस क्वेश्चन पेपर में आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिल जाएंगे अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या ICT है. इस क्वेश्चन पेपर में बारे में थोड़ा आपको इंट्रो में दूं तो इस क्वेश्चन पेपर में बहुत ही रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हुए हैं. इससे पहले हमने एक पेपर सॉल्व किया था 2013 CTD का, तो उससे आप सिमिलर कह सकते हो ये क्वेश्चन पेपर है क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में रिपीटेडली आस्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए हैं जो डायरेक्टली बुक से उठा के रख दिए हैं. हाँ, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपकी बुक के पीछे दी हो. फॉर एग्जांपल मॉरिस मेनो में पीछे कन्वेंशनल सॉल्व करने के लिए दिया हो, हाँ BL थेरेजा में पीछे सॉल्व करने के लिए दिया हो और डायरेक्टली उठा के यहाँ MCQ एज ए MCQ एक ऑप्शन बना के रख दिया है आंसर को. हाँ, तो इस क्वेश्चन पर थोड़ा लेंथी भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें. हाँ, तो ये पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे ये सारी ब्रांच के लिए. और यहाँ पे अगर अब तक आपने मेरे वीडियो को ये लाइक नहीं किया है तो पहले सबसे पहले लाइक कर दो. हाँ, अपने कलीग्स को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हम सिर्फ टेक्निकल पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो पार्ट बी का नंबर क्वेश्चन नंबर 51 है. पुअर रिस्पॉन्स टाइम इज यूजुअली कॉज्ड बाय, अगेन ऑप्शन डी इज एनी ऑफ अबव, सो वी हैव टू रीड ऑल ऑफ दिस. प्रोसेस बिजी, हाई IO रेट्स, हाई पेजिंग रेट्स एंड एनी ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर. ओके, पुअर रिस्पॉन्स टाइम इज यूजुअली कॉज्ड बाय एनी ऑफ अबव. देन 100 बेस FX यूजेस ब्लैंक ब्लॉक कोडिंग एंड ब्लैंक लाइन कोडिंग. ओके, लाइन कोडिंग में तो वो NRZ का यूज करता है. हाँ, NRZ 1 यहाँ पे और यहाँ पे 4B/5B ब्लॉक कोडिंग का यूज करता है. हाँ, 100 बेस FX जो है उसकी हम बात कर रहे हैं. 100 बेस FX जो है उसमें आंसर आएगा ऑप्शन ए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द OS ऑफ अ कंप्यूटर में पीरियोडिकली, ये जो है आपका 100 बेस FX मतलब कुछ नहीं है, आपका SFP है. अगर आप ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में काम कर रहे हो और आपने वो SFP देखा है, हाँ, तो वही ये 100 बेस FX है. द OS ऑफ कंप्यूटर में पीरियोडिकली कलेक्ट ऑल द फ्री मेमोरी स्पेस टू फॉर्म कंटीजियस ब्लॉक ऑफ फ्री स्पेस. दिस इज कॉल्ड एज गार्बेज कलेक्शन. इसे क्या कहते हैं? गार्बेज कलेक्शन कहते हैं. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर में पीरियोडिकली कलेक्ट ऑल द फ्री मेमोरी स्पेस फ्रॉम कंटीजियस ब्लॉक ऑफ फ्री स्पेस. दिस कॉल्ड एज गार्बेज कलेक्शन. इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस दैट फाइंड्स अ फ्री ब्लॉक ऑफ मेमोरी एंड रीअलोकेट्स देम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकवरी टेक्निक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकवरी टेक्निक. ओके, डिफर्ड अपडेट, इमीडिएट अपडेट, टू फेस कमिट, शेडो पेजिंग. टू फेस अपडेट इज नॉट अ रिकवरी टेक्निक. ओके, ऑल अदर्स आर रिकवरी टेक्निक. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, टू फेस. ओके, सो वॉट इज द आंसर हियर? करेक्ट इज ऑप्शन सी. ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर हियर. In enterprise IT, data recovery typically refers to the restoration of data to the desktop, laptop or server or external storage used from a backup. Okay, so for that recovery technique, deferred update, immediate update or shadow paging we are using. Two-phase commit is not a recovery technique again. Okay, next question. वन मोर थिंग, ये क्वेश्चन पेपर जो है, हाँ, इसमें बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है. मतलब जनरली हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि रिपीटेडली क्वेश्चंस आज जो है वो जनरली 15-20 या 25-30 अराउंड हो जाते हैं. ठीक है, जैसे इससे पहले के हमने पेपर सॉल्व किया था हरियाणा का, उसमें शायद से आपको 25-30 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन है. ठीक है, मतलब हर एक एग्जाम में पूछते ही है. यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम है. हाँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिक क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए है. हाँ, तो इस पेपर को आप एक बार पूरा अच्छे से सॉल्व करना. और दूसरा, इसका आंसर की भी अवेलेबल नहीं था. हाँ, तो
जो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो फाइंड करना है उसमें टाइम भी ज़्यादा लगा, क्योंकि जो क्वेश्चन जो दिए हैं ये भी अच्छे लेवल के दिए हुए हैं। हाँ, मतलब बेसिक्स क्वेश्चन बहुत ही कम है, डीप में क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कि एमसीक्यू है या कन्वेंशनल है, हाँ, जो भी आपका टेक्स्ट बुक होता है, आप जो बी में पढ़ते थे तो आपका जो टेक्स्ट बुक था, तो बी का टेक्स्ट बुक जो होता है उसके पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए रहते हैं वहाँ से उठा के यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं। तो बेसिक मीटर मूवमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन ओम मीटर बाय कनेक्टिंग अ ब्लैंक विथ इट बाय कनेक्टिंग अ बैटरी एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस इन सीरीज। ओके, दिस इज वेरी सिंपल। वी वांट टू कन्वर्ट इनटू ओम मीटर, ओके, मीटर मूवमेंट इनटू ओम मीटर। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कनेक्ट वन बैटरी एंड वन रेजिस्टेंस। ओके, तो ओम मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस। सिंपल ओम मीटर कंसिस्ट ऑफ अ बैटरी, मीटर मूवमेंट कैलिब्रेटेड इन ओम एंड वेरिएबल रेजिस्टर। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 56। इफ बाय मिस्टेक एसी सोर्स इन ब्रिज रेक्टिफायर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ डीसी टर्मिनल, इट विल बस आउट एंड हेंस शॉर्ट, इट विल बर्न आउट, सॉरी हियर इट इज नॉट करेक्टली रिटन और इट इज कट, सो इट इज बर्न आउट। ओके, इफ बाय मिस्टेक एसी सोर्स इन ब्रिज रेक्टिफायर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ डीसी टर्मिनल, इट विल बर्न आउट एंड हेंस शॉर्ट ब्लैंक डायोड्स, मतलब कितने डायोड को बंद कर देगा ऐसा पूछा है। हाँ, कितने डायोड को बंद कर देगा, जितने भी डायोड है सबको बंद कर देगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वी नो वी आर यूजिंग फोर डायोड इन द ब्रिज रेक्टिफायर, इफ बाय मिस्टेक वी आर कनेक्टिंग डीसी इन प्लेस ऑफ एसी, ओके, देन ऑल द डायोड विल बी शॉर्ट सर्किटेड, ऑल सर्किट विल बर्न आउट एक्चुअली। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ अगेन दिस इज अ कन्वेंशनल क्वेश्चन, कंसिडर अ नैरो बैंड, इफ यू रिमेंबर द इक्वेशन देन यू विल गेट द आंसर, अदरवाइज यू हैव टू सॉल्व दिस। हाँ, कंसिडर अ नैरो बैंड एफ एम सिग्नल अप्रोक्सीमेटली डिफाइंड बाय, इट इज गिवन एज अ नैरो बैंड एफ एम सिग्नल। वी नो इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ नैरो बैंड एफ एम, द नैरो बैंड एफ एम इज नथिंग बट नियरली इक्वल टू ए एम ओनली। ओके, एस ऑफ टी इज इक्वल टू एसी कॉस 2 पाई एफ सी टी माइनस बीटा एसी साइन 2 पाई एफ सी टी इन टू साइन 2 पाई एफ एम टी, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ नैरो बैंड एफ एम। द रेशियो ऑफ मिनिमम मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू ऑफ एनवेलप इज, ओके, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम एनवेलप इज आस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड एनवेलप ऑफ दिस। इफ यू फाइंड एनवेलप ऑफ दिस देन दिस एसी स्क्वायर, एनवेलप ऑफ दिस इज अंडर रूट ऑफ एसी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एसी स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई एफ एम टी, दिस इज द एनवेलप। ओके, इफ यू विल गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एनवेलप देन इट विल बी एसी इनटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बीटा स्क्वायर, बिकॉज एसी स्क्वायर विल बी टेक कॉमन। ओके, सो एसी इनटू 1 प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज ए मैक्स, ए मीन विल बी द एसी ओनली। ओके, सो इफ यू डू ए मैक्स डिवाइड बाय ए मीन इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम, एसी वीसी विल गेट कैंसल आउट, सो व्हाट विल रिमेन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बीटा स्क्वायर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, एसएस क्वेश्चन, मैथमेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें सॉल्यूशन है और ऐसे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, हाँ, कम्युनिकेशन में बहुत है इस पेपर में। इन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए फोटो डायोड, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फोटो डायोड इज डिक्रीजेस विथ लाइट इंटेंसिटी व्हेन रिवर्स बायस। हाउ इट इज व्हेन यू आर अप्लाइंग लाइट ऑन फोटो डायोड व्हाट विल हैपन, हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट टू ब्रोक, नो, इन फोटो डायोड रिवर्स ऑफ दैट हैपन। हाँ, व्हाट विल हैपन व्हेन यू आर अप्लाइंग लाइट एट द जंक्शन ऑफ फोटो डायोड, इट विल स्टार्ट टू देर इज अ मोर रिवर्स करंट इन दैट। ओके, सो डार्क करंट विल इंक्रीज, सो डार्क करंट विल इंक्रीज, योर रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। ओके, सो रेजिस्टेंस विल डिक्रीज विद द लाइट इंटेंसिटी, दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोटो डायोड। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड विल ब्रेक, दैट इज नॉट रॉन्ग एक्चुअली, बट योर करंट इन रिवर्स बायस विल इंक्रीज इन फोटो डायोड, बिकॉज अगेन फोटो डायोड इज अ रिवर्स बायस डायोड। ओके, नेम वन मोर डायोड विच इज वर्किंग इन द रिवर्स बायस। ओके, प्लीज आंसर मी इन द कॉमेंट सेक्शन, कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे कॉमेंट करके बताओ कि कौन से डायोड है। अगर आपको पता है सारे डायोड तो सारे डायोड बताओ, कि ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्स बायस, विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो बायस, तो फोटो बायस तो आपको पता होता है, रिवर्स बायस डायोड फोटो डायोड है, बाकी और कौन कौन से है मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट, बाय एनकैप्सुलेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग वी मीन, हाँ, जैसे हम कैप्सूल खाते हैं ना मेडिकल वाली, वैसे एनकैप्सुलेशन भी किया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग में। क्यों किया जाता है, हाँ, बिकॉज बाय एनकैप्सुलेशन इज यूज टू हाइड द वैल्यूज और स्टेट ऑफ स्ट्रक्चर डेटा ऑब्जेक्ट
inside a class, preventing direct access to them by clients in a way that could expose hidden implementation details or violate state invariance maintained by the method. So hiding the implementation details of the method from user of object. Okay, जैसे आप कैप्सूल खाते हो, हाँ मेडिसिन जैसे कैप्सूल लेते हो, वैसे एनकैप्सुलेशन होता है, जैसे समझ लो हाँ जिसमें जैसे इसमें वो पाउडर को हाइड किया हुआ रहता है कैप्सूल के अंदर, वैसे ही यहाँ पे हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल के लिए एनकैप्सुलेशन का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में यूज होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60. हाउ मेनी, अगेन रिपीटेड, दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, हाउ मेनी 32K x 8K रैम चिप्स आर नीडेड. एक्चुअली इन द एवरेज क्वेश्चन पेपर दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. To provide a minimum capacity 256 KB, now both are in bytes, 256 multiply by 8 divide by 32K divide multiply by 8, so 256K divide by 32K, so that is nothing but 2 raised to 18 divide by 2 raised to 15, that is 2 raised to 3, so 8 is the correct answer here, option B is the correct. Next, interval between the time of submission and completion of the job is called, interval between the time of submission and the completion of the job is called as throughput. Okay, the process, the time completion is the, no, not throughput actually, okay, it is called as turnaround time. Huh? Throughput, because you have learned throughput many times. Huh? जैसे ही आप throughput देखते हो आपको ये option यही लग जाता है, और देखो ये सर ने भी यही mark किया है. हाँ, क्योंकि बाकी सारा जो है आपने इतना सुना हुआ नहीं है, throughput आपने सुना हुआ है. हाँ, तो interval और interval time की जब भी बात आती है तो आपके दिमाग में क्या आ जाता है, throughput आ जाता है. हाँ, throughput is the wrong answer here. It is not correct answer. Correct answer is turnaround time, option B is correct. Huh? Again, I am repeating, the interval from the time of submission of the process to the time of completion is the turnaround time. Okay, next question. देखो ऐसे question आप बहुत गलत करके आ जाते हो exam में, जो आपने सुने सुने हैं आपको नहीं पता, फिर भी कहीं तो सुना होगा ऐसा आप सोच के mark करके आ जाते हो. अगेन दैट जैसे मैंने आपको बताया वो ऊपर पूछा था, वही यहाँ SAP जो SAP का पूछा था वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है. 100 बेस एलेक्स, दैट इज नथिंग बट SAP यूजेस टू ऑप्टिकल फाइबर एंड लॉन्ग वेव लेजर सोर्स. ओके, दैट लॉन्ग वेव लेजर सोर्स इज नथिंग बट योर SAP, सो दैट इज नथिंग बट 100 बेस एलेक्स. ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर. Type of standard from implementing gigabit Ethernet network. The LX in the 100 base LX stands for long, and it indicates that this version of gigabit Ethernet is intended for use of long wavelength transmission over the long cable runs for the fiber optic cabling. Okay, next, the graph with n vertices will definitely have a parallel edge or self loop of the total number of edges R. Okay, so here answer will be more than n into n minus 1 divided by 2. How it is actually, we know that number of vertices without the self loop is C of n comma 2 is equal to n factorial divided by 2 factorial into n minus 2 factorial. Okay, so C of n comma 2 will be n into n minus 1 divided by 2. So above is the total number of vertices without loop or parallel edges. So if any loop of the parallel edges, if we want, then it should be greater than n into n minus 1 divided by 2. So option D is the correct answer here. Okay. Next, assume transaction A holds a share lock R. If transaction B also request for a share lock on R, it will be, okay, this is a tough question little bit. Option look, share lock means, share lock exists when two transactions are granted read access. One transaction gets the share lock on data, and one when the second transaction requests the same data, it is also given as a share lock. Both the transactions are in the read only mode, transaction hold the share lock on the data item A. So
एनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कैन बी रीड सो द डेटा फ्रॉम द रिक्वेस्टिंग आइटम यूजिंग द शेयर लॉक सो द ट्रांजेक्शन बी रिक्वेस्ट विल इमीडिएटली ग्रांटेड. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, इमीडिएटली ग्रांटेड. नेक्स्ट, For the measurement on high voltage capacitors, the suitable bridge is sharing bridge. Option C, okay, that is the correct answer. We have already learned earlier about this. Actually, this is not repeat question. For the measurement of mutual inductance, which bridge we are using? If you know, please answer me in the comment section. Next, ये repeated question है जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं. Next question: When a low pass and high pass filter are cascaded to get a band pass filter, the critical frequency of the low pass filter must be greater than the critical frequency of the high pass filter. So option C is correct here. To get the band pass filter, low pass filter का जो frequency होता है वो high pass से ज़्यादा होना चाहिए ना, तभी तो आपको वो पूरा band मिलेगा. ठीक है, so option C is the correct answer here. Question number 67, the figure shown is very simple question. The figure shown is, this is the figure of NAND gate. This is NMOS, this is PMOS, the circuit is using CMOS. So series switch, this is nothing but switch is like this. So series switch is AND gate and if you do invert of that, that is NAND gate. Okay, अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो मेरा लॉजिक गेट का लेक्चर नंबर 2 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम लेक्चर 2 एक बार देख लेना, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट, द डिसएडवांटेज ऑफ बेस बायस इज दैट इट हैज टू बीटा डिपेंडेंट. ओके, बेस बायस इज a beta dependent, so that is the disadvantage of it. Option C is the correct answer here. In object oriented design, the operations and methods are identical, method specify algorithm, whereas operation only state what is to be done. Methods do not change values of the attribute, method and customer are same. In object oriented design, method specifies the algorithm, whereas the operation only state what is to be done. So option B is the correct. Object oriented program के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, so यहाँ पे हम ज़्यादा detail में नहीं जा रहे हैं. हाँ, फटाफट जो है हम आगे बढ़ जाते हैं. Okay, next question. देखो यहाँ पे actually gain ही नहीं दिया है. हाँ, gain hidden हो गया है, तो मैं आपको बताऊँगा क्या है actually यहाँ पे. So transmission line is feeding a 1 volt of power to a horn antenna hearing a gain of 10 dB. हाँ, actually here it is 10 dB. Okay, the antenna is matched the transmission line. The total power radiated by the antenna into the free space is, now total power radiated by the antenna is nothing but power input to the horn antenna is equal to 1 volt gain of the antenna, that is equal to 10 dB, and that is nothing but linear, in linear that is 10. Okay, so total power, you can say that is nothing but gain of the antenna into your input power, that is power radiated. Okay, so you can say 10 log 10, so you will get 1 and into 10, that is nothing but 10, so you will get answer as 10. Option A is the correct answer here. Okay, very simple question, nothing but you can say generally gain is nothing but output power divided by input power, using that also you can do this question. Next, in a non-vectored interrupt, the address of interrupt service routine is, in non-vectored interrupt, address of interrupt service routine is assigned to the fixed memory location. Okay, because it is a non-vectored, fixed location is not defined, so we have to assign that memory location for that interrupt. Okay, so option D is the correct answer in this question number 71. Now question number 72. In IEEE 802.3 standard defines blank CSMS CD
What is the full form of CSMACD? If you know, please answer me in the comment section. As access method for first generation 10 Mbps Ethernet. Okay, so answer will be one persistence. One persistence, P persistence are different techniques of CSMACD. Okay, CSMACD, CSMACA. You are learning that it is CD full form is collision detection. Carrier. Chalo answer batai deta hu. That is CSMA matlab carrier sense multiple access collision avoidance. That is CA or collision detections. That is CD. ओके वन परसिस्टेंस पी परसिस्टेंस प्रोबेबिलिटी होता है उसमें हाँ मतलब एक बार भेजेगा पी टाइम्स पे टाइम चेक करेगा हाँ एवरी टाइम इट विल चेक कोलिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है तो मैं सिग्नल को भेजू या नहीं भेजू हाँ वैसे अलग अलग मेथड होते हैं हियर आंसर इज वन परसिस्टेंस ऑप्शन इज करेक्ट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग एन एलिमेंट फ्रॉम अ सेट ऑफ एन एलिमेंट यूजिंग अ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इज एन लॉग एन ओ सॉरी नॉट एन लॉग एन ओनली लॉग एन हाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट मतलब बिग ओ और ऑर्डर ऑफ लॉग एन इट इज गिवन एज अ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम ओके सो ऑर्डर ऑफ लॉग एन व्हाट आर द पोटेंशियल प्रॉब्लम व्हेन अ डीबीएमएस एग्जीक्यूट मल्टीपल ट्रांजैक्शन कॉन्करेंटली व्हाट आर द पोटेंशियल प्रॉब्लम ओके व्हेन डीबीएमएस एग्जीक्यूट मल्टीपल ट्रांजैक्शन कॉन्करेंटली ऑल ऑफ अबव इज द गिवन इन द ऑप्शन Okay, so here all of above should be the answer. Concurrently problem occurs when multiple transactions execute concurrently in the controlled manner. Dirty read problem, unrepeated read problem, lost update problem, phantom read problem are the concurrency problem in the DBMS. So lost update problem, dirty problem, all are the correct. So option D is the correct answer here. For the measurement of mutual inductance, we can use heavy side bridge. Okay, so for the natural measurement of the self inductance, what you can use? You should answer in the comment section. Okay, अगर आपको पता है तो मुझे comment section में comment करके बताओ कि measurement of self inductance के लिए क्या use होगा? मैंने इससे पहले आपको पूछा था, लेकिन ये question ही आ गया यहाँ पे, तो उसको answer करने की ज़रूरत नहीं है. So measurement of self inductance के लिए यही option है. क्या use होगा इसमें से? Measurement of mutual inductance के लिए तो heavy side bridge का use होता है. ठीक है? Next question, numerical types question, what resistor draws a current of 5 ampere when connected across the terminal A and B of the circuit shown in figure? यहाँ पे आप कौन सा resistor लगाओगे, हाँ, जो आपको 5 ampere का current देगा यहाँ पे, ठीक है, ये पूछा है, यहाँ पे कितना current है, 5 ampere का current होना चाहिए, ये बताया गया है, ठीक है, तो क्या करना है, देखो, यहाँ पे बहुत अलग अलग मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो हाँ मुझे सिंपलेस्ट मेथड ये लग रहा है कि आप ये आंसर जो है ये यहाँ पे रख दो आपको आप मिल जाएगा हाँ कैलकुलेशन में इतना टाइम लगेगा क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले बहुत आपको कैलकुलेशन करना है लेकिन आप कैलकुलेशन नहीं करोगे और हवा में करने की कोशिश करोगे तो ये नहीं होगा ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है नॉट और पेन का यूज आपको करना ही पड़ेगा हाँ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे देखो ये क्वेश्चन पेपर में आपको 3 घंटे का टाइम देता है 180 मिनट फॉर 150 क्वेश्चन जिसमें 50 तो नॉन टेक्निकल थे जो आप इजीली आधे घंटे में सॉल्व कर लोगे मतलब 150 मिनट फॉर 100 क्वेश्चन ओके सो 1.5 मिनट फॉर एवरी क्वेश्चन और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप आधे सेकंड में कर लोगे तो एक क्वेश्चन के पीछे आप 3 या 4 मिनट इजिली दे सकते हो जो ऐसे क्वेश्चन है ठीक है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है तो ये डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से उठा के पूछा हुआ क्वेश्चन है ओके नाउ देखो यहाँ पे क्या करना है मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख रहा हूँ हाँ इसमें आप आई यहाँ पे आई लिखो हाँ आई इज इक्वल टू यहाँ पे आई माइनस फाइव कर दो यहाँ पे आपका यहाँ 5 जाएगा तो यहाँ पे आई माइनस 5 जाएगा हाँ और फिर आप वोल्टेज का इक्वेशन लगाओ तो भी आपको मिल जाएगा आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा हाँ पूरा इक्वेशन और आपको आई फाइंड आपको आई फाइंड नहीं करना है आपको आर फाइंड करना है तो आपको आई मिल जाएगा तो यहाँ पे आपको वोल्टेज मिल जाएगा और वोल्टेज मिल जाएगा तो यहाँ पर रेजिस्टर मिल जाएगा एक मेथड है सॉल्व करने का दूसरा मेथड जो आपको बता रहा हूँ यहाँ सबसे पहले 4 रखते हैं ठीक है 4 रखेंगे तो क्या होगा टोटल यहाँ पर रेजिस्टेंस 10 ओम पैरेलल 20 ओम ठीक है आपको यहाँ पे फाइंड करना है और कुछ नहीं है ठीक है 5 एम्पीयर करंट तो दे दिया है तो टोटल आपको करंट कितना मिलेगा वो फाइंड करना है फिर वोल्टेज करंट डिवाइडर लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ 5 एम्पीयर किस में आ रहा है ठीक है 10 × 20 पैरेलल करोगे 10 × 20 पैरेलल करोगे तो 10 × 20 डिवाइड बाय 30 दैट इज नथिंग बट 2/3 प्लस 5 करोगे आपको तो मिलेगा 17/3 ओके सो 100 इंटू
100 डिवाइड बाय 17 बाय 3 दैट इज टोटल आई एंड इनटू आपको फाइंड करना है करंट डिवाइडर इसमें से कितना जा रहा है ठीक है 5 एम्पियर आपको मिलना चाहिए इसमें से 5 है ठीक है तो आपको आर क्या मिलेगा मतलब इससे 5 मिलना चाहिए तो यहाँ पे देखो कितना मिलेगा हम देखते हैं ठीक है 100 इंटू 3 डिवाइड बाई 17 आपको मिला इंटू 20 डिवाइड बाई टोटल दैट इज 30 ओके ऐसा करोगे तो आपका अराउंड 200 डिवाइड बाई 17 आएगा हाँ तो 200 डिवाइड बाई 17 5 तो नहीं होगा इससे ज़्यादा हो जाएगा तो ये ऑप्शन गलत है ठीक है ये ऑप्शन गलत है नेक्स्ट 5 ओम रखते हैं तो 5 6 11 होगा 11 प्लस 20 21 होगा ठीक है तो 20 इंटू 11 डिवाइड बाय 31 करोगे तो 220 डिवाइड बाय 31 मिलेगा 100 इंटू 31 डिवाइड बाय 220 आपको आई मिलेगा वोल्टेज डिवाइडर का यूज़ करोगे ओके तो 3100 इंटू आपका कितना हुआ कितना 20 डिवाइड बाय 31 ओके आपको 310 ऐसा करना है और डिवाइड बाय आपका ऐसा करोगे तो भी आपको 5 से 5 नहीं मिलेगा 5 से ज़्यादा ही मिलेगा ठीक है तो ये भी गलत आंसर है तो देखो अब मुझे लगता है 6 ओम या 20 ओम दो में से एक ही होगा आप तो दो ही बचा है ठीक है 6 रखते हैं यहाँ पे तो क्या होता है 6 ओम रखेंगे तो 6 6 12 ओके 12 प्लस 20 दैट इज 32 तो आपका क्या होगा सबसे पहले रेजिस्टेंस 12 इंटू 20 डिवाइड बाई 32 दैट इज नथिंग बट 15 बाई 2 ओके 15 बाई 2 आएगा तो 15 बाई 2 प्लस 5 करना है हाँ मतलब आपका 15 बाई 2 मतलब 7.5 प्लस 5 12.5 होगा ओके तो I कितना होगा 100 डिवाइड बाई 12.5 दैट इज नथिंग बट 8 एम्पियर ओके सो 8 इंटू 20 डिवाइड बाई 32 करोगे आप तो आपको 5 मिल जाएगा तो 6 इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर ओके सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट कंसिडर द एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल xc(t) इज इक्वल टू 10 cos इंटू ब्रैकेट 10^8πt प्लस 5 sin 2π 10^3t ओके द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या होगा यहाँ पे ऐसा पूछ लिया है ठीक है तो देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन आपको फाइंड करना है सो यहाँ पे क्या करना है सबसे पहले आपको फाइंड करना है FM क्या होगा ठीक है सो FM आपका क्या होगा 1K ओके अब बीटा क्या होगा बीटा होगा 5 यहाँ पे ये पूरा इक्वेशन ही है स्टैंडर्ड इक्वेशन ओके तो यहाँ पे FM 1K है बी क्या है 5 है सो बी इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाई FM सो बी इंटू FM दैट इज डेल्टा एफ पूछा है आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन ओके सो क्या होगा आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन 5 इंटू 1K दैट इज 5K सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन 78 द डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर इज डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर इज वाइडर बैंड गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑल आर डिफरेंट इन सेमीकंडक्टर इंसुलेटर सो ऑल ऑफ अबव ऑप्शन डी इज द करेक्ट एज यूजुअल क्वेश्चन नंबर 79 8086 इंटरफेस विथ 2 8 to 5 9s If 8 to 5 nines are in master slave configuration, the number of interrupt available to the 8086 microprocessor is. Now, if you are using 2, you are interfacing 2 8 to 5 nines to the microprocessor, it is called as cascade configuration. Okay, in cascade configuration, it increases the number of interrupt handled by the system as a maximum number of 8 to 5 nine interface can be 9. Okay, it can be one master and 8 slave. So maximum number of interrupt that can be handled that is 64 and 64 is the correct answer here. Okay, option D is the correct. So question number 18. In a PCM system, if the code word length is increased from 6 to 8, the signal to quantization noise ratio improve by a factor. Okay, this is repeatedly asked question. Okay, again proportional to 2^2n. So 2 bits 2^2n there is 2^4. So 16 answer hoga. Isse pehle bhi humne is type ke question ko solve ki hai. Option C is the correct option here. In the virtual memory system, the address used by the program belongs to. In virtual memory system, address used by the program belongs to address space. Okay, an address used by the program is a system supporting virtual memory concept is known as virtual address, and the set of such addresses are known as address space. So option C is the correct answer here. If Ethernet destination address is 08070605443, then this is a
यूनिकास्ट मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट एनीएफओबो इज नॉट करेक्ट आंसर हियर. हाँ दिस इज यूनिकास्ट एड्रेस. नाउ लर्न व्हाट इज यूनिकास्ट. लेट्स लर्न. ओके यूनिकास्ट एड्रेस इज अ मैक एड्रेस दैट इज यूनिक एड्रेस दैट इज यूज when a frame is sent from a single signal transmitting device to a signal destination device. Okay, second is a multicast frame. Multicast frame is received and proceeded by a group of LAN, Ethernet LAN that belongs to the same multicast group. The feature of Ethernet multicast frame are follow. It has destination MAC address is 01005E when the encapsulated data is in IPv4, or it can be destination MAC address can be 3333. हाँ ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है. So it is not multicast in IPv6. Okay, there other reason multicast MAC addresses for the encapsulated data is not IP, such as spanning tree protocol and link layer discovery protocol. Okay, in broadcast, when broadcast frame is received and proceeded by Ethernet LAN, the feature of the Ethernet LAN broadcast is the destination MAC address should be FF. So all the 48 bits are 1 in binary. Okay, it is flooded out of Ethernet switch port except the incoming port. It is not flooded by the routers. Okay, so here correct answer is unicast. Broadcast वाला तो क्या होता? सारे F होते हैं. Which of the following sorting method will be the most suitable for sorting a list which is almost sort? The sorting a list which is almost sort, we are using a bubble sort. Option A is the correct answer here. Bubble sort would be the most suitable for sorting a list which is almost sorted. Bubble sort is a type of sorting. It is used for sorting n elements. It compares all the elements one by one and sort them based on their value. The column of a table is referred to as, column of a table is referred as a attribute. We already know that. Okay, this is repeats question. We can say actually not repeats question, but this column is called as attribute. I have explained you earlier in earlier paper solutions. The ratio of maximum displacement deviation to the full scale deviation of the instrument is called as, it is called as linearity. Okay, what is this called? Not static sensitivity, not precision accuracy. It is called as linearity. Okay, so option C is correct. The percentage linearity is defined as the ratio of maximum deviation to the full scale value. Okay, next question number 86. The greatest possible mutual inductance of an air core transformer that has self inductance of 120 and 90 megahertz. Okay, so nothing but mutual inductance M is equal to K under root L1 L2, take K is equal to 1. So L1 is 120 and L2 is 90. If you will multiply both, you will get under root of that, you will get answer M as 210. Okay, option B is the correct answer here. Next, a binary counter, ripple counter uses flip-flop that triggered on the positive edge of the clock. What will be the count if the normal output of the flip-flops are connected to a clock? Okay. Now, what is given? Normal output means Q is connected. Normal output here given. Normal output means Q is connected and positive edge trigger. Okay. Positive edge trigger, Q as the output, it will be a down counter. I am repeating, positive edge trigger, Q as the output, down counter. Negative edge trigger, Q bar as the output, again down counter. Negative edge trigger, Q as the output, up counter. Negative edge trigger, positive edge trigger, Q bar as the output, again up counter. Okay, so this is the four type of ripple counter are there. So here down counter is the correct answer. Option A is the correct answer. Okay, next. So question number 88, the current in semiconductor is produced by both electron and hole. Okay, we talked about it earlier. Option D is the correct answer here. In ADC 0808, if blank pin is high, enable output. Output enable pin is high. So OE, option D is the correct answer here. Okay, so question number 90, the depth of penetration of electromagnetic wave in a medium having a conductivity sigma at frequency of 1 megahertz 25 centimeter, the depth of penetration of the frequency of 4 megahertz will be. Okay, so depth of penetration is inversely proportional to under root of frequency, and using this concept we can calculate this answer. Option B is the correct. Okay,
if you are calculating that 1 megahertz and 4 megahertz is given, okay, 1 by, that is you need to do 25 divided by 2, okay, that is under root of 4, that is 2, 25 divided by 2, you will get 12.50, okay. So option B is the correct answer here. Next, if you not know that under root, okay, if you are not doing that under root, then you will get 6.25. It is also given in the option, so take care of that. Depth of penetration is inversely proportional to under root of frequency, not only frequency. Parent class of all Java class is, object, okay. The object class is the parent class of all the classes in Java by default. In other word, it is the topmost class of Java. The object class is the beneficial. If you want to refer any object whose type you don't know, okay. So option B is the correct answer here. It's question number 91. Question number 92. ICI, interface control information. Again, ICI means not a cricket board, ICI means interface control information. Interface control information is, information control information is a temporary parameter passed between n and n-1 layer to involve service function between the two layer. Option D is the correct answer here. Which of the following is true about ICMP message? ICMP message is a ICMP error message may be generated only for the first fragment. So IPMC error message may be generated for the ICMP error message. This is wrong. Okay. ICMP error message may be generated for each fragment. No, only for the first fragment. So this is wrong. ICMP error message be generated for the multicast datagram. That is also wrong. So none of these is the correct answer. Option D, none is the true, is the correct answer here. Now, given relation R of W, X and S of W, Y, Z, result of select distinct WX from R, S, it is guaranteed to be same R if, now R has no duplicate and S has not empty R, and S no duplicate R, no duplicate R is non empty R, and S have the same number of tuples. Now let's solve these. This is about SQL relationship. SQL relations are multi-set, not set. So S and R can have duplicate. Okay. If S is empty, then R cross S will be empty. If S is empty, okay, so R cross S will be empty. So if S is equal to 0, then R cross S will be equal to 0. So hence, it will not equal to R. If R has duplicate, in that case, due to distinct keyword, those duplicate will be eliminated in the final result of SQL query, will not be equal to R. So R cannot have duplicate. Okay. So R cannot have duplicate and S is not empty. So option A is the correct answer here. Okay. Option B is not correct because S cannot be empty. Okay. So no duplicate. So S cannot be empty. So R cross S equal to 0. So it is false. S has no duplicate and R is non-empty. R can be duplicate if it is false. So it is also not correct. And since R and S has the same number of tuples, since R can be duplicate, it is also false. Okay. So here option A is the correct answer here. R has no duplicates and S is non-empty. Next, if an instrument has cramped scale of large values, then it follows. Okay, if instrument has a cramped scale of large value, then it follows a logarithmic law. Okay, option B is the correct answer here. If scale is directly proportional to the quantity being measured, then it follows the uniform law. If scale is directly proportional to the square of the quantity being measured, then it follows the square law. And if the instrument is a cramped scale of larger values, then it follows the logarithmic law. Okay. Next, question number 96. A coil of resistance 20 ohm and inductance 200 microhenry is in parallel with a variable capacitor. The combination is in series with the resistor of 8000 ohm. The voltage of the supply is 200 volt at the frequency of 10 raised to 5 hertz. The value of C to give resonance, the value of C to give resonance, at which value it will give resonance, it is asked. Actually, this question is very long, but yes, question itna lamba dekhte ho aap,
इतना लंबा पढ़ते हो, काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि वैल्यूज़ बहुत सारी दी हुई है, यहाँ पे सारी वैल्यू का हमें यूज़ ही नहीं करना है। वी नीड टू फाइंड सी एट रेजोनेंस, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सी एट रेजोनेंस टेल मी। Anyone knows the equation of CS resonance? F is equal to 1 by 2 pi root of LC. F is equal to omega is equal to 1 upon root of LC. F is equal to 1 upon 2 pi root of LC. That is the equation that you need to use. Nothing else. Okay. So put the values F, L is given. Find C. Okay. If you will put all the values, you will get 125 as the answer. Okay, it's very simple question actually. Next, the content of 4 bit resistor are initially 1011, 4 bit. The resistor is shifted 6 times to the right with the serial input being 101101. The contents of the resistor after shift is, okay, तो ये normal student क्या करेगा, हाँ सीधा ऐसे देखो यहाँ पे जैसे सर ने किया है 1011 लिखा, फिर 6 time shift किया, हाँ 1011 उसके बाद 6 बार right shift, देखो यहाँ पे beat कितने हैं 1 2 3 4 5 6 beat तो है, 6 बार shift करोगे तो सारे beat निकल जाएंगे, वही का वही beat वापस आ जाएगा, हाँ so 1011 is the answer here. ओके सो दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन, ओके यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो अगर इसमें आप फिर 5 मिनट वेस्ट कर दोगे तो इससे पहले जो नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन आया था उसमें आप टाइम नहीं दे पाओगे, हाँ तो इस क्वेश्चन लॉजिकली हो जाने चाहिए। अ डायोड विच इज अ फॉर्म बाय यूजिंग लाइटली डॉप GaAs और सिलिकॉन विथ मेटल मीन्स शॉटकी डायोड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन 98। ओके इन क्वेश्चन नंबर 8255 under the IO mode of operation we have 8255 under the IO, actually 8255 had two different mode, okay, but the correct answer here is not two mode, two is not correct here, huh? The modes are bit set reset mode and IO mode. It is asked that under the IO mode operation how many modes, under the IO mode operation there are three mode, mode 0, mode 1 and mode 2. Mode 0 is simple or basic mode, mode 1 is handshake or strobe mode and mode 2 is the bidirectional IO mode. So here correct answer is option C 3. Okay, the unit of del cross H is equal to J, del cross H is equal to J, there is nothing but Ampere's law or you can say Maxwell's fourth equation, okay, and J is nothing but current density, that is Ampere per meter square. So option C is the correct answer here, electromagnetic theory, very basic question. The environment variable script name in CGI script specifies, what specifies, script name returns the part of URL from the protocol name up to the query string in the first line of the HTTP request. So the path of URL server name, option B is the correct answer here. So question number 102, okay, look, until now we have already solved 51 question, but only 2 or 3 questions were there which was repeated, all those questions are very different. How many character even for those questions are different, how many character per second 7 bit plus 1 parity can be transmitted over a 2400 bps line if the transfer is synchronous, 1 start plus 1 stop bit, okay, 1 start and stop bit given, but here we don't require start and stop bit because it is a synchronous transfer, okay. So size of each character is 8 bit, bandwidth is 2400 bps, number of character to be transmitted is 2400 divided by 8, that is 300, okay. In synchronous mode of transfer you don't require start and stop bit, but in asynchronous mode of transfer bits are added to the number of bit of each character, so in asynchronous start stop bit we have to calculate here, because it's synchronous transfer we don't require to calculate start and stop bit, so 300 is the correct answer here. 103, blank is an inner domain routing protocol using path vector routing, BGP is the correct answer here, a border gateway, BGP means
बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल इज लाइक अ ग्लू दैट हेल्प्स कनेक्ट द इंटरनेट टूगेदर. ओके, इट इज एन इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल दैट इज यूज बिटवीन द ऑटोनोमस सिस्टम. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर. 104, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉकिंग कैन बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ. कॉन्सेप्ट ऑफ लॉकिंग कैन बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लॉस्ट अपडेट, अनकमिटेड डिपेंडेंसी, इनकंसिस्टेंट डेटा, ऑल ऑफ अबव. एज यूजुअल ऑलवेज करेक्ट आंसर. Two holes in the disk of energy meter are drilled at the opposite side of the spindle. This repeater's question, eliminate the creeping at no load. Which of the following eliminate creeping at the no load? Option is this. Here's question is this, and option is eliminate creeping at no load. Okay, so option B is the correct answer here. 106. If CU loss of transformer 7/8 full load is 4900, then its full load CU loss would be, okay, लास्ट क्वेश्चन पेपर में भी एस क्वेश्चन था लेकिन वहां पे आयरन लॉस पूछा था. ठीक है, तो आयरन लॉस सेम रहता है कि चेंज होता है, हाँ, फुल लोड पे और 7/8 लोड पे, ओके, या एनी अदर लोड पे, मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना. ठीक है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग द सेम फॉर्मूला. ओके, फुल लोड कॉपर लॉस इज नथिंग बट इक्वल टू आई स्क्वायर आर, हाँ, वेर आई इज करंट एंड आर इज द रेजिस्टेंस. नाउ हियर इट इज गिवन 4900 इक्वल टू 7/8 स्क्वायर इंटू फुल लोड. ओके, इफ यू कैलकुलेट फुल लोड हियर यूजिंग दिस कैलकुलेशन, इट विल बी 4900 इंटू 8 डिवाइड बाय 7 into 7, दैट इज 49. ओके, सो 49 विल गोज 8 जा 64 विल बी द आंसर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर. वेरी गुड क्वेश्चन दिस. ना, सिक्वेंशियल सर्किट हैज टू जेके फ्लिप फ्लॉप्स ए एंड बी एंड वन इनपुट एक्स. द सर्किट इज डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग इनपुट. ओके, जे ए इज इक्वल टू एक्स, के ए इज इक्वल टू बी प्राइम, जे बी इज इक्वल टू एक्स, के बी इज इक्वल टू ए. द स्टेट इक्वेशन ए टी प्लस वन बाय सब्स्टिट्यूटिंग द इनपुट इक्वेशन फॉर द जे एंड के वेरिएबल इज. नाउ इन द लास्ट पेपर सोल्यूशन आई टोल्ड यू अबाउट दैट कंडीशन. हाँ, इन सी टी डी पेपर सोल्यूशन द Qn plus 1 for JK flip flop is Qn plus 1 is equal to JQ bar plus K bar Q. So nothing but using that only you have to put here simplified state equation A and B. First consider the characteristic equation of JK flip flop, where Q of T plus 1. So here Q is A. So A of T plus 1 is equal to, you need to write A of T plus 1 is equal to JQ bar X A bar plus K bar Q. Okay, so K is nothing but here B bar A. So X A bar plus B bar A, B bar bar, that is B bar, K bar, matlab B bar here it is given. So B bar bar, that is B, so B A. Okay, so option C is correct here. Okay, now tell me, what if it is asked B into T plus 1? Okay, give me answer in the comment section. If it is asked here B into T plus 1, toh kya answer hoga? Haan? कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो जेबी के लिए भी दिया है, एक्चुअली बहुत बड़ा कन्वेंशनल क्वेश्चन है. हाँ, मोरिस मेनो का डायरेक्टली उठा के रख दिया है, लेकिन यहाँ पे यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है. अगर आपको एक कैलकुलेट करने को पूछा होता बी ऑफ टी प्लस वन, तब इसका मतलब था. ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके बता दो, पूछ लिया है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं पता चले. ठीक है, नेक्स्ट. The resistor which is connected in series with source resistance RS to reduce distortion in JFET amplifier circuit is called a swamping resistor. We learn about this swamping resistor. हम जो BE में पढ़ते हैं डिटेल में इसके बारे में. हाँ, so option A is correct. The 8279 normally provide a maximum of blank 7 segment display interface with CPU. Okay, 8279 normally provide a maximum 16 digit 7 segment display interface with the CPU. So option B is the correct answer here. 1110. An antenna when radiating has a highly directional antenna. When an antenna receiving its radiation pattern, okay, when antenna radiating is highly directional, so receiving will be also highly directional because it is the same. An antenna is a reciprocal device whose characteristics are same when it is transmitting or receiving. So thus antenna radiating highly directive radiation pattern, the receiving antenna will also have the same. It is the same. Option C is the correct answer. In Perl, if in subroutine protocol is $, it means, okay, what does it mean? It means the two scalar variable as a parameter. Option A is correct. Which of the following is not standard RS232C signal? RS232C signal
is not, okay, RTS, CTS, DSR, all are that standard, VDR is not, okay. Next, in OSPF, when link between two router is broken, the administration may create a blank link between them using a longer path, then probably goes through several router. Okay, correct answer is D. Here none of above. What is D then, sir? Huh? So, kya hoga? Kaun sa link hoga between them? कौन सा लिंक होगा? मल्टी पॉइंट लिंक होगा. हाँ, जो ऑप्शन में नहीं दिया है, कौन सा लिंक होगा? इफ इट इज गिवन इन द ऑप्शन मल्टी पॉइंट, देन मल्टी पॉइंट इज द करेक्ट आंसर. हाँ, पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिट और स्टब नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 114, द नंबर ऑफ एजेस इन अ रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री डी एंड एन वर्टाइसिस इज. नंबर ऑफ एजेस इन द रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री डी एंड एन वर्टाइसिस इज मैक्सिमम ऑफ n n d n plus d n into d divide by 2. क्या होगा यहाँ पे? अ रेगुलर ग्राफ, देखो यहाँ पे ग्राफ इन विच ऑल वर्टिसेस द सेम डिग्री. एग्जाम्पल इफ n इक्वल टू 3, देन d इक्वल टू 2, ऑल्सो देर इज 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, दैट इज 3 एजिस. हाँ, इफ n इक्वल टू 4 and d इक्वल टू 2, सो देर आर 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, दैट इज 4 एजिस. ओके, सो नथिंग बट n इंटू d डिवाइड बाई 2 इज द करेक्ट आंसर हियर. सो ऑप्शन d इज द करेक्ट आंसर हियर. वॉट मीटर कैन नॉट बी डिजाइन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट. हाँ, बिकॉज मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ओनली डी सी. इफ द केस ऑफ सर्टेन डी सी आर्मेचर द नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट इज फाउंड आइदर वन लेस और मोर देन वन नंबर ऑफ स्लोट, द आर्मेचर मस्ट बी हैविंग अ सिंप्लेक्स ब्लैंक वाइंडिंग, सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग. हाँ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट शोन इज दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन. हाँ, कौन सा सर्किट है ये? हाफ एडर का सर्किट है. हाँ, डिटेल में आपको हाफ एडर फुल एडर पढ़ना है. द कॉम्बिनेशनल सर्किट पार्ट वन. हाँ, एक लेक्चर है मेरा यूट्यूब चैनल का, आप देख लेना, कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा. एट पिंच ऑफ वोल्टेज इन जेफेट डिवाइस, एट पिंच ऑफ वोल्टेज जेफेट डिवाइस चैनल वेल्थ नियरली बिकेम जीरो बट आई डी इज नॉट जीरो. हाँ, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर. फॉर द जेफेट डिवाइस चैनल वेल्थ नियरली जीरो एट पिंच ऑफ आर अकरिंग एट डिफरेंट कंडीशन इन द जेफेट डिवाइस. हाँ, सो हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 8088 माइक्रोप्रोसेसर हैज 8088 माइक्रोप्रोसेसर हैज 16-bit address bus, not 16-bit data bus, 8-bit data bus and 16-bit address bus. 80806 has 20-bit address bus and 16-bit data bus. Two dissimilar antennas having their maximum directives equal may not necessarily have their maximum power gain equal, cannot have their bandwidth equal because of the similar antenna, must have their effective aperture areas also equal. Actually, correct answer is option C, may not necessarily have their maximum power gains equal. Next question, in C, the information about an array used in the program will be stored in. In C, information will be stored in DOP vector. Here, both A and B is not correct. Option D is correct. Next, in session layer, during the data transfer, the data stream responsible for the control purpose. Control of session layer itself is, control of session layer itself is capability data. Okay, C is the correct answer here. In IPv4 datagram, is fragmented into three similar smaller datagram. Which of the following is true? Okay, here in IPv4 datagram, the total length field is changed to the size of the fragment. The more fragment is set to all fragment packet except the last one. The fragment offset is set based on the number of fragment that is being set and the MTU. Header checksum is recalculated. An important point to be noted here is that all fragment would have the same identification number and thus indicating that all the fragment belongs to the same parent data packet. So C is the correct answer, having the same identification field. Then next question, 1 to 4, an algorithm is made up of two modules M1 and M2 if order of M1 and M2 is
order of m1 is f of n and order of m2 is g of n, then the order of the algorithm is, order of the algorithm is as, okay, let us solve this module 1 ka, for example, order of n log n hai, module 2 ka, for example, order of n square hai, to kya hoga, f of n log n and g of n square, the order of the algorithm will be maximum of f of n and g of n, so order of algorithm, that is maximum of n log n and n square will be the answer, okay, so, since both the module is computing in order of a single variable and the same variable, that the order of n, therefore the order of algorithm is maximum of f of n and g of n. Option A is the correct. Next question, to measure radio frequency, the suitable frequency meter is, to measure radio frequency, suitable frequency meter is actually not heterodyne meter, it is called as heterodoxy frequency meter, it is not heterodyne frequency meter. Heterodoxy frequency meter is the correct answer. For the electric resonance frequency meter is used only for the power frequency measurement and is used in the power system of monitoring the frequencies. A ratio meter type of frequency meter used up to frequency of 500 Hz. Saturable core frequency meter can be measured frequencies over the wide range and especially well suited for use in the technometer system. Reed vibrator frequency meter is used for the measurement of low frequencies, where heterodoxy frequency meter is suitable for the measurement of radio frequencies. Okay, jitne bhi frequency meter hote hai, sabka maine aapko aur de diya. Next, a 220 volt 10 ampere motor could be rewound for 400 volt 20 ampere by using blank as many turns per coil of wire having blank the cross sectional area. Okay, half and twice. Option C is the correct answer here. Okay, option C is correct. Half and twice, not option D. Option C is the correct answer. Next, the simplified expression for F and G in terms of the input variable in the circuit shown. देखो यहाँ पे simplified expression आपको पूछा है. हाँ, ये solution again conventional question है. Morris Menno के पीछे से सीधा उठा के circuit रख दिया है यहाँ पे. I think क्योंकि ये सब question वहीं पे दिए हुए रहते थे. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? A bar मिलेगा. हाँ, ये तो पक्का हो गया. यहाँ पे क्या मिलेगा? A bar. यहाँ पे a bar plus bc मिलेगा, ये बिल्कुल सही है सर का, ठीक है. यहाँ पे a bar into d, ये नॉन है तो a bar d का bar होगा यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे क्या मिलेगा? a bar d का bar आप करोगे तो a bar d का bar मतलब a plus d bar, हाँ, this is a plus d bar, not a bar d, यहाँ पे a plus d bar मिलेगा, ठीक है. इसलिए सर को फिर आंसर नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे गलत किया है. a plus d bar मिलेगा, a plus d bar मिलेगा into इन ए प्लस डी बार इंटू ए बार प्लस बी सी, और ऊपर क्या होगा आपका यहाँ पे ए प्लस डी बार इंटू ए बार. हाँ, तो ए प्लस डी बार इंटू ए बार क्या होगा? ए प्लस डी, क्योंकि डी प्लस कॉमन निकालोगे. हाँ, तो ए प्लस ए बार वन हो जाएगा, तो यहाँ पे ए प्लस डी आपको मिलेगा. ए प्लस डी इंटू ए बार प्लस बी सी, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको मिलेगा ए बार डी, यहाँ पे एफ पे ए बार डी प्लस ए बी सी प्लस आपको क्या मिलेगा? बी सी डी. और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? जी पे ए बार डी बार प्लस ए बी सी प्लस बी सी डी बार, ठीक है. और फिर आप के में बनाओगे, हाँ, तो आपका बी सी डी और बी सी डी बार जो है वो रिडंडेंट टर्म है यहाँ पे एक्चुअली, हाँ, वो निकल जाएगा. इस जो मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया उस दोनों का आप के में बना के सॉल्व करोगे तो लास्ट दोनों टर्म निकल जाएंगे, तो ऑप्शन ए बच जाएगा. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर. ए बार डी प्लस ए बी सी एंड ए बार डी बार प्लस ए बी सी. ओके, होप आपको समझ में आया है. नहीं समझ में आया है, हाँ, तो मुझे बताना, हाँ, मैं आपको और फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा. विच ऑफ द मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक इज फॉर एनालॉग सर्किट, हम ये पहले पढ़ चुके हैं. हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज फॉर द एनालॉग सर्किट? ए एंड सी, एफ डी एम एंड डब्ल्यू डी एम. टी डी एम यूज फॉर डिजिटल सर्किट. द नंबर ऑफ द टाइम द इनवर्स इंस्ट्रक्शन सिक्वेंस बिलो विल लूप बिफोर कमिंग आउट ऑफ लूप इज, ठीक है, ये लूप पूछा है, ये बहुत ही पीटा हुआ क्वेश्चन है. हाँ, इसरो में भी बहुत बार पूछ लिया है, एक बार ये गेट में पूछ लिया था, एक बार ई एस में भी पूछ लिया है. मूव ए एल कोमा जीरो जीरो एक्स ए वन इंक्रीमेंट ए एल जे एन जेड ए वन, तो क्या करना है? इंक्रीमेंट ए एल का करना है, जब तक जीरो नहीं आता तब तक इंक्रीमेंट करते रहना है. हाँ, तो इंक्रीमेंट होगा जीरो जीरो से जीरो वन जीरो टू अप टू कहाँ तक होगा? एफ एफ तक होगा, और फिर जब जीरो जीरो होगा तो आपका
जंप इफ नॉट जीरो, तो ये पूरा लूप कंप्लीट होगा। तो कितनी बार लूप घूमेगा, कमिट आउट ऑफ लूप कितना टाइम लगेगा ऐसा पूछा है। हाँ, नंबर ऑफ टाइम द इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस बिलो विल लूप बिफोर कमिंग आउट ऑफ लूप ऐसा पूछा है। तो 2 to 5 टाइम्स से लूप घूमेगा और फिर एक बार ये लूप बाहर आएगा, मतलब 2 to 5 + 1 = 2, 5, 6 आंसर आएगा। जल्दी स्टूडेंट्स जो है वो 2 to 5 मार्क करके आ जाते हैं। हाँ, जो गलत है 2, 5, 6 आंसर मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 130, एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एन एक्सटर्नल एंटिटी इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग, विच ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज एक्सटर्नल एंटिटी, इट्स एट्रीब्यूट्स आर इनवेरिएंट ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ सिस्टम, इट्स एट्रीब्यूट्स आर invariant during the operation of system, unlike record oriented model, object oriented value are only object. The object oriented modeling brings application and database development together and convert them into single data model and language environment. Object oriented modeling supports abstraction, inheritance and encapsulation while allowing the for other identification and communication. So option A is the correct answer here, okay. Next, for C programming language, all of above is given. Constant expression are evaluated compile time, string constant can be concentrated at compile time, it is like that. Size of array should be known at compile time, all of above is correct, option D is the correct answer here. So question number 132, the blank measures the number of lost or grabbed message as a function of total in the sampling period, okay. Now a residual bit error rate is, actually answer will be residual bit error rate, option A, residual bit error rate is a receive quality metric in digital transmission. Once several use of quantitative the accuracy of the received data, it measures the number of lost or grabbed message as a fraction of total sent in the sampling period, okay. Total sent, here it is, total sent is written. A blank switch is faster and more sophisticated router. Three layer switch is faster and more sophisticated router. Three layer switch is nothing but router only. Okay. So I am asking you one question. हमने पहले solve कर चुके हैं. ये three layer switch works in which layer? Okay. Three layer switch जो है वो SI model के कौन से layer पे work करता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मुझे आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज सक्सेसफुल सर्च टाइम फॉर सिक्वेंशियल सर्च ऑन एन आइटम इज, ओके, एवरेज सक्सेसफुल सर्च टाइम ऑन एन आइटम विल बी n+1/2, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ओके। इफ यू वांट टू सॉल्व दैट देन कंसीडर एन एरे ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 up to n, एज्यूम 1 यूनिट टाइम is needed for one item comparison, okay. So best case is search one in sequential manner, element is found for single comparison, time take equal to 1. Worst case is search n+1 in the sequential manner, element not found for the n comparison, time take is n. So average time is worst case plus best case divided by 2, that is n+1/2, and that's why option C is the correct answer here. Which is the best file organization when data is frequently added or deleted from a file? Okay, data is frequently added and deleted from the file, then direct file organization is best. Okay, sequential is not a fast, and index sequential will take more pointers adjustment. The direct file organization is used to improve the performance in accessing the record as compared to sequential file organization. In direct file organization, the key value is mapped directly to the storage location. The usual method of direct mapping is by performing some arithmetic manipulation of key value. This process is called as hashing. Okay, when using this organization, an application such as online transaction processing system can be designed so that centralized data are not only instantly accessible but are always up to date, okay. So option B is the correct answer here. Next question, 136, what will be the value of I, what will be the value of I here?
Okay, now what you need to do, there are again many different techniques are there to solve this. Okay, again same here it is I, so consider this I, so here it is I1, here it is I minus I1, okay, here I2, take I minus I2 and then sum of that, again here it will be I, and then calculate the three different equation and from I is equal to I1 plus I2, put that all values, you will get the answer. Second method of solution is that we are solving is by converting that into delta star. Okay, this is delta, will convert into star, that is R A R B divided by R1 plus R2 plus R3. So if you will convert this into the star, okay, you will get a star like this. Okay. So this resistance here will be, this resistance is 14 into 10 divided by 20, sorry, 20 plus 10, that is 30, 14 into 10, that is 140 divided by 30, so around you will get 4.67, okay, here it is 14 into 6 divided by 30, you will get around 2.8, and here it is 10 into 6, 60 divided by 30, that is nothing but 2, okay, 2 plus 20, that is 22, you will get, okay, here you will get 2.8 plus 1.8, that is 4.4, okay, so 4.4 into 22 divided by 4.4 plus 22, that is 26.4, okay, plus your 4.67 plus 8, that is your total resistance, 196 divided by all these, you will get 12 point something, okay, so 12 is the correct answer here, option C is correct. Okay, next, the Boolean expression xyz plus z bar plus y xz y z plus, sorry, xyz prime plus x prime yz plus xyz plus x prime yz prime, okay, bar bolo ya z prime bolo, it shows inversion, invert, okay, so zero, so aap kuch nahi karna hai, yahan pe xyz lena hai, k map banana hai, k map banaoge easily mil jayega, boolean solve karoge to thoda lamba rahega, easily mil jayega, y will be the correct answer here, okay, pura aapko one ka ek octet mil jayega y ka, so y will be the correct answer here, okay, sorry, quad milega, octane. The minimum sampling rate based on the low pass uniform sampling theorem for the signal m of t is equal to 10 cos 200 pi t into cos 800 pi t. Here, if you know the basic trigonometric formula, that is 2cc, that is 1 half c into c, that is cos a into cos b is equal to, you can say, cos a plus b plus cos a minus b. Okay, so 2000 plus 8000, that is 10k, and you will get 6k, so fm is 10k, so that is what it is asked, okay, so 10k is the right answer. Minimum sampling rate, it is twice fm, so fm is equal to 5k, so twice fm is 10k. Okay, in DMA write operation, the data is transferred from, in DMA write operation, data is transferred from IO memory. In DMA write operation, the data is transferred from the IO memory. The process is managed by the chip known as DMA controller. Okay, different three types of techniques are there. For that, watch my lecture of computer organizational architecture on YouTube channel. Detailed description is given there. Okay. A polymorphic operation. Polymorphic operation is, polymorphic operation are used in the context of an inheritance hierarchy when where the same operation may be implemented differently in subclass. A signal message will produce a different responses depending on the class of the object to which it is sent. So at the same name but use different method depending on the class. So option B is the correct. Yes, sir, ka bilkul sahi hai. Next, which of the following would be used to find syntax error in Pascal program? Yahan bhi ye sir ne sahi answer diya hai. Compiler ka use karte hain hum error find karne ke liye. Okay, so option B is correct. Error detection at data link layer, error detection kaun karta hai? Hum iske pehle lecture mein pad chuke hain. CR error detection karta hai sir. So B is the right answer here. Okay, to mujhe aap batana, error correction ke liye kaun sa code ka use hum karte hain? Haan, क्या सीआरसी एरर डिटेक्शन कर सकते हैं? इससे पहले मैंने आपको डिटेल में बताया था, हम एक तो एरर करेक्शन के लिए कौन से कोड का यूज करते हैं और क्या सीआरसी से एरर करेक्शन पॉसिबल है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे आप कमेंट करके बताना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143,
some new two layer switches called blank switches have been designed to forward the frame as soon as they check the MAC addresses in the header of a frame, that is a cut through switch. Option A is correct. In computer networking, cut through switching, also called as cut through forwarding, is a method for packet switching system wherein the switch start forwarding frame before the whole frame has been received, normally as soon as the destination address and outgoing interface is determined. So cut through switch is the correct answer. So question number 144. If not having two children is detected from a binary tree, it is replaced by in order successor, not in order predecessor, or in order successor. B is the correct answer here. In order successor, in binary search tree and input nodes, in order successor can also be defined as the node with the least key greater than the input node's key. As a result, it's occasionally necessary to locate the next node in sorted order. Which of the following constitute a basic set of operation of manipulating relation? Okay, that is nothing but your relation algebra. It is repeats question. Okay, next, voltage and current of the circuit with the two elements in series are expressed as follows. V of t is equal to 170 sine 6280 t plus pi by 3 volt. I of t is equal to 8.5 sine 6280 t plus pi by 2 ampere. Then the elements are, which elements are there, it is asked. Okay, so first of all, here if asked is frequency, they ask, then here wt, that is written, huh? That is omega t, you can say. So frequency will be 6280 divided by 2 pi, that is nothing but 2 pi, that is again 6.28. okay, so 1000 hertz you will get. Okay, phase angle phi is here, phase angle phi, that is important, depends on that you will get to know which elements are used. Okay, because then you will get the power factor, or power factor or leading or lagging, based on that you will get to know which elements are there. This is very good question, huh? If you will calculate the phase phi, then phi is pi by 2 minus pi by 3, that is nothing but pi by 6, that is 30 degree, and power factor cos phi cos 30 degrees under root 3 by t. Okay, so for the given function, V and I can be seen as a current function leads the voltage function. We can say current leading the voltage. Okay, so we will get R and C. Even if it is asked to find the R and C, you can find it using these formulas. Okay, cos phi is R by Z and C is equal to 1 upon omega xc. Okay, using that you can find xc is nothing but under root of z square plus r square. So here you will get r and c. Number 192, next question, 147. Number 19212 with indicate base to decimal, मतलब यहाँ पे आपको 12 base से decimal में convert करना है, तो क्या करोगे? Simple, हाँ, 12 raised to 2 into 1, 12 raised to 1 into 9 plus 8, 12 raised to 0 into 8. So 144 plus 12 9s are 108 plus 8, 144 plus 108 plus 8, you will get 260 is the answer. B is the correct answer. Next question number 148. The instantaneous frequency in hertz of the following signal is cos 200 pi t into cos 5 sine 2 pi t plus sine 200 pi t into sine 5 sine 2 pi t. इस क्वेश्चन देख के आधे लोग इस क्वेश्चन छोड़ देंगे. हाँ, इतना टफ इक्वेशन दिया है, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है. देखो यहाँ पे इतना टफ बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आपको क्या फाइंड करना है, हाँ, आपको थीटा फाइंड करना है और कुछ नहीं. यहाँ पे जो थीटा दिया है, थीटा ऑफ टी क्या है, जो देखो वही इक्वेशन है जो मैंने आपको बोला, कॉस ए इंटू कॉस बी. हाँ, यहाँ पे आप ऐसा करोगे, मतलब सी सी प्लस एस एस. ओके, सी सी प्लस एस एस, दैट इज नथिंग बट कॉस थीटा. ओके, सो यू विल गेट cos 200 pi t minus 5 sin 2 pi t. So here theta is nothing but 200 pi t minus sin 5 sin 2 pi t. तो आपको क्या पूछा है, देखो यहाँ पे 95 hertz at instantaneous frequency पूछा है, क्या होगा, ठीक है. तो instantaneous frequency is nothing but w, that is d theta by dt. theta by dt करोगे 200 pi minus 10 pi cos 2 pi t मिलेगा आपको, ठीक है. तो instantaneous frequency जो आपको है, हाँ,
2 पाई को कॉमन निकालोगे तो 100 माइनस 5 कॉस 2 पाई टी मिलेगा। तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी मतलब टी इक्वल टू 0 क्या होगा, 100 माइनस 5 दैट इज कॉस 0 इक्वल टू 1, तो 100 माइनस 5 क्या होगा 95। ओके सो 95 हर्ट्ज एट टी इक्वल टू 0, दिस इज करेक्ट। ओके ऑसिलेट साइनसोइडली बिटवीन 95 एंड 105 हर्ट्ज, दिस इज आल्सो करेक्ट। ओके इट विल ऑसिलेट साइनसोइडली बिटवीन 95 एंड 105 हर्ट्ज, सो दिस इज आल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी इज द correct answer here. Next, one condition for oscillation is, condition for the oscillation is Barkhausen's criteria, sir. Okay, Barkhausen's criteria, what Barkhausen's criteria tells that it just recalls the necessary condition for the oscillation. To start the oscillation, the total phase shift of the circuit must be 360 degree of the magnitude of the loop gain and the 360 degree matlab 360 or you can say 0 degree. So phase shift of the feedback loop is 0 degree, C is the correct. Okay, and second condition is magnitude of the loop gain must be equal to or greater than 1. Okay, next, inheritance in object oriented system is used to, inheritance in object oriented system is used to create new classes from existing classes. Option A is the correct answer here. Inheritance is one of the core concept of object oriented programming language. It is mechanism where you can derive a class from another class for a hierarchy of classes that shares a set of attributes and methods. Okay, so this is again a lengthy question paper, one of the similar you can say like CTD, but CTD में क्या था, CTD का जो question paper था उसमें अगर आपने वो नहीं solve किया है तो वो भी detail में solve कर लेना। हाँ वहाँ पे क्या था, वहाँ पे बहुत सारे question repeatedly GATE और ES में पूछे हुए थे, हाँ उसको पूछ लिए थे। यहाँ textbook के पीछे से उठा के direct question रख दिए है, उस question paper थोड़ा lengthy हो जा रहा है। हाँ जो मैंने आपको question multiple answer ऊपर बहुत सारे solve करके दिए वो actually conventional question है, हाँ जो नॉट पेन का यूज किए बिना आप नहीं कर सकोगे और इसमें टाइम भी लगेगा, 3-4 मिनट का टाइम भी लगेगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन पेपर में कोई भी आपको डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। हाँ अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, वो अभी भी लाइक्स बहुत ही कम आ रहे हैं। हाँ हाँ तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, आप अगर लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। हाँ वीडियोस को शेयर करोगे तो जैसे मतलब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आप वीडियोस को लाइक करते रहोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा ऐसे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो आप शेयर करना मत भूलना अपना जो भी फ्रेंड्स एग्जाम देने वाले हैं। हाँ अपना जो भी सर्कल है आपका जेई का, उसका जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा या टेलीग्राम ग्रुप होगा उसमें वीडियोस को शेयर जरूर कर देना ताकि सब सॉल्व कर पाए। ठीक है, थैंक यू।